तिहारे दर्शन के हित जाऊं, बंगला के नित दर्शन करके जीवन सफल बनाऊं। और होत महलन में तिहारे दर्शन के हित जाऊं, बंगला के नित दर्शन करके जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोहे किशोरी मोहे किशोरी मोहे सेवा में ली जोरी, किशोरी मोहे सेवा में ली जो, जग जल जाल छुड़ाए बास वृंदावन को दी जो। किशोरी इतनों तो की जोरी, किशोरी इतनों तो की जो, जग जल जाल छुड़ाए बास वृंदावन को दी जो, जग जल जाल छुड़ाए बास। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं, भगतन की पग दूरी मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं, भगतन की पग दूरी मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोहे किशोरी मोहे किशोरे मोहे द्वारे रख ली जो, किशोरी द्वारे रख ली जो, जग जन जाल छुड़ाए बास वृंदावन को दी जो। किशोरी इतनों तो की जोरी, किशोरी इतनों तो की जो, जग जन जाल छुड़ाए बास वृंदावन को दी जो, जग जन जाल छुड़ाए बास वृंदावन को दी जो, जग जन जाल छुड़ाए बास वृंदावन को दी जो। Thank you.
वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे
मेरे तो आधार राधा रानी के
श्याम के चरणारविंद, प्यारी के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, प्यारी के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भवाब्दिपोतम श्री ब्रजजन वंदन श्री वृंदावन चंदन श्री यशोदानंदन भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हरिद्वार की पवित्र भूमि में मैत्रेय मुनि के साथ महात्मा विदुर का संवाद हो रहा है।
और इस संवाद के अंतर्गत स्वयंभुव मनु और शत्रुपा की कथा विदुर जी ने सुनी। 5 संतान इनके हुई, 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी की कथा कही, आकुति की भी कथा कही, प्रसूति का भी चरित्र कह दिया। तब श्रीमान विदुर ने मैत्रेय मुनि को कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के दोनों पुत्र जो हैं, उनमें से मैं पहले राजा उत्तानपाद की कथा को सुनना चाहता हूँ, तो आप मुझे उत्तानपाद का चरित्र कहिए। मैत्रेय मुनि उत्तानपाद की कथा की ओर श्री विदुर जी को लेके गए। भैया, अपने अच्छे कर्म से समाज में जिसका पैर ऊंचा हो उसको ही उत्तानपाद कहा जाता है। राजा उत्तानपाद की कथा श्रीमद् भागवत में अपने आप में बड़ी ही अनूठी है और हमारे जीवन का ये आधार बन सकती है। हमारा जीवन किस दिशा में हो ये राजा उत्तानपाद की कथा से समझ में आता है। हमारा जीवन जीने का कौन सा मार्ग सही है, किस मार्ग पर चलकर के हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, ये उत्तानपाद की कथा से समझ में आता है। राजा उत्तानपाद बहुत सुंदर रूप से अपनी राजधानी के ऊपर शासन करते हैं। मृगया करना राजा का धर्म होता है, शिकार खेलना ये राजा का धर्म है। एक दिन राजा उत्तानपाद वन में शिकार खेलने के लिए गए। मृगादि नाना प्रकार के पशुओं को मार दिया और शिकार खेल करके राजा उत्तानपाद लौटने लगे, तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को वन में देखा। राजा उत्तानपाद उस सुंदर स्त्री के ऊपर आसक्त हो गए। यद्यपि राजा उत्तानपाद का पहले विवाह हो चुका है और उनकी धर्म पत्नी का नाम है महारानी सुनीति, लेकिन राजा इस दूसरी स्त्री पर आसक्त हुए और इसके सामने उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को रखा। इस स्त्री का नाम है सुरुचि। इसने राजा को अपना परिचय दिया और फिर विचार किया कि ये तो यहाँ के राजा हैं, वैभवशाली इनका जीवन है, संपन्न इनका जीवन है, तो इनके द्वारा विवाह का जो प्रस्ताव है उसे मुझे स्वीकार करना चाहिए। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के प्रस्ताव को स्वीकार किया और वन में ही गांधर्व विधि से इन दोनों ने विवाह कर लिया। राजा उत्तानपाद सुरुचि को लेकर के अपने महल में पधारे। महारानी सुनीति जो उत्तानपाद की पहली पत्नी है वो गर्भवती है। सुरुचि ने महल में प्रवेश किया तब महारानी सुनीति को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। अचानक सुरुचि के पैर रुक गए और कहा, राजन, ये सामने सिंहासन पर दूसरी स्त्री बैठी है, ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा, मैं थोड़ा कह ना पाया, ये मेरी पहली पत्नी और इस राज्य की महारानी सुनीति है। ओहो हो राजन, सब गड़बड़ कर दिया आपने, ये क्या किया आपने? आपको इतना भी नहीं पता, जहां सुनीति का वास होता है वहां सुरुचि का वास कभी नहीं होता, और जहां सुरुचि का वास होता है वहां सुनीति का वास नहीं होता। राजन, समय आ गया है, आपके साथ इस सिंहासन पर हम दोनों में से कौन बैठे
इसका निर्णय अब आपको करना पड़ेगा। या तो सुनीति रहे या सुरुचि रहे, तो हम दोनों में से आप किसी एक को अपने जीवन के लिए चुनिए। वृद्धस्य तरुणी विषम, भैया यदि पति की आयु बहुत हो और पत्नी की आयु छोटी हो तो वो पति के लिए विष के समान हो जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पति यदि वृद्ध हो, पत्नी तरुणी अवस्था की हो, तो वो उसके लिए जीवन में विष के समान हो सकती है। वृद्धस्य तरुणी विषम, उत्तानपाद और सुरुचि की आयु में भी अंतर है। राजा आसक्त हैं इसके ऊपर, इसे संतुष्ट करने के लिए राजा उत्तानपाद ने गर्भवती महारानी सुनीति का त्याग किया और सुरुचि को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। महल से दूर एक छोटी सी पर्ण कुटी बनवा दी राजा ने, और उसी कुटिया के अंदर महारानी सुनीति वास करने लगी। कुछ दिनों के बाद सुरुचि भी गर्भवती हुई। हे राजा परीक्षित, समय तेजी से बीतता हुआ चला जा रहा है और आज समय आने पर पर्णकुटी के अंदर महारानी सुनीति के गर्भ से एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जिसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी का जन्म हुआ पर्णकुटी में। सुनीति नंदन है। कुछ दिन का समय और आगे बीता परीक्षित, महल में सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ उत्तम। अब देखो, कुटिया में है ध्रुव, महल में है उत्तम, और दोनों ही बालक बड़े हो रहे हैं। राजा उत्तानपाद जीवात्मा ही है, मैं आप सब उत्तानपाद ही हैं। मां के गर्भ में जब हैं, पैर ऊपर हैं, सिर नीचे है, यही उत्तानपाद का अभिप्राय है। जन्म लेके जीवात्मा जब आती है शरीर को धारण करके, होश जब संभालती है, हम जब जीवन में योग्य होते हैं तो जीवन जीने के दो मार्ग हमें अपने सामने दिखाई देते हैं। एक मार्ग है सुनीति का और दूसरा मार्ग है सुरुचि का। सुनीति का मार्ग क्या है? बोले शास्त्रों से, पुराणों से, गुरुजनों के उपदेशों से जीवन जीने की जो सुंदर नीति प्राप्त होती है वही सुनीति का मार्ग है। सुंदर नीति पर चलना यही सुनीति का मार्ग है। भैया सत्संग की बात ना माने, धर्म शास्त्रों से पुराणों से कोई प्रेम नहीं, मनमाना अपनी रुचि के अनुसार आचरण कर लिया, यही सुरुचि का मार्ग है। अब जीवात्मा ये सोचती है, हम ये सोचते हैं कि हम नीति के मार्ग पर चलें जीवन में या रुचि के मार्ग पर चलें। दूर से हम दोनों मार्गों को देखते रहते हैं। फिर क्या समझ में आता है? बोले नीति का मार्ग तो बहुत कठिन है, बड़ा लंबा मार्ग है, और रुचि का मार्ग छोटा है, सरल है। और दूर से हमको रुचि का फल ही उत्तम समझ में आता है, इसीलिए भागवत में सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। और दूर से हम रुचि के ही फल को उत्तम मानते हैं, और जीवन में जो उत्तम होता है उसको ही हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम उत्तम को प्राप्त करने के लिए सुनीति के मार्ग को छोड़ देते हैं और सुरुचि के मार्ग को स्वीकार कर लेते हैं।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो उत्तम दूर से दिखाई दे रहा है उसका तो एक ना एक दिन नाश हो जाता है, परंतु सुनीति के मार्ग पर चलकर के जो फल प्राप्त होता है वो तो ध्रुव कहलाता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। नीति के फल का कभी नाश नहीं होता, ध्यान रखना। ध्रुव महाराज, कुटिया में बालक ध्रुव, महल में उत्तम। हमारे जीवन में आधार नीति हो, रुचि ना हो। शास्त्र ये कहते हैं कि बालक की प्रथम गुरु तो उसकी माता होती है। मां जैसा चाहेगी अपने बालक को वैसा ही बना देगी। यदि मां चाहेगी तो अपने बालक को संत महात्मा विद्वान भी बना सकती है, और यदि मां चाहेगी तो अपने बालक को चोर डाकू लुटेरा भी बना सकती है। दोष बालक का नहीं है, उसको आधार के रूप में जन्म लेने के बाद जो संस्कार माता से मिलेंगे वो आगे वैसा ही बनकर के तैयार होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो श्री रामचरितमानस में कहा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जासु सुत होई। मेरी दृष्टि में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। अपने बालक को डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर भेजा, लेकिन यदि भगवान का भक्त ना बनाया तो संसार में कोई भी डिग्री मिल जाए, भगवान के दरबार में उसकी गणना कभी होती नहीं है। भगवान के यहाँ तो एक ही डिग्री काम करती है, और वो डिग्री है भक्त होने की। जो भक्त है उसकी ही गणना भगवान के दरबार में है। सब बने जीवन में, भक्त ना बने तो जीवन खोखला सा ही लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। भैया मशीन की तरह काम किया, जाग गए, चले गए, लौट के शाम को घर आ गए, अगले दिन फिर वैसा ही दोहरा दिया, है ना। मशीनी युग है और मशीन के समान ही काम करना है। इस लोक की चिंता तो की, सुंदर घर हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर वस्त्र हो, सुंदर भोजन हो, यह लोक की चिंता की, लेकिन परलोक की कोई चिंता ना की। और जब यहां से वहां गए तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने गज के मकान में रहते थे, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी गाड़ी में घूमते थे, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि कितने लॉकर बैंक के अंदर रखे थे, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि उसमें क्या क्या रखा था। वहां तो केवल यही पूछा जाएगा कि जरा बताओ कितना भजन किया भगवान का, जरा जरा आ जाओ। और जब ये खाता खोला जाएगा तो पता चलेगा कि ये तो खाली पड़ा हुआ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और फिर ये अपेक्षा करना कि भगवान के हाथ से हमको अगली व्यवस्था भी बहुत सुंदर मिल जाएगी, बिना भजन के ऐसा कभी होता नहीं। समझदार वही होता है जो इस लोक की भी चिंता करे और इसके साथ साथ अपने परलोक की भी चिंता करे, इसको भी सुधारे और उसको भी सुधारे। तो वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को मुद्रिका दी और श्री हनुमान जी सागर पार करके गए सीता जी की सुध को लाने के लिए। सीता जी की सुध ली और श्री हनुमान जी लंका दहन करके भगवान के चरणारविंद में लौट करके आए। भगवान श्री राम भगवान हैं, श्री हनुमान जी भक्त हैं, सीता जी भक्ति हैं। भगवान अपने भक्त को जीवन में भक्ति की सुध लेने के लिए भेजते हैं। वो ये कहते हैं कि पहले अपने जीवन में भक्ति को खोज तो लो, और जब
भक्ति का साक्षात्कार हो जाएगा। जब भक्ति संपन्न हो जाएंगे तो भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होगी और भक्ति से पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। ये कथा ऐसे श्री हनुमान जी ने आध्यात्मिक यात्रा की है माँ जानकी की खोज के द्वारा। भैया, भक्ति की सुध लेने के लिए जब जीवन में चलते हैं तो त्रिगुणात्मिका माया बाधा के रूप में सामने आती है। श्री हनुमान जी गए सीता जी की सुध लाने के लिए तो ये त्रिगुणात्मिका माया बाधा के रूप में उनके सामने भी आई। सुरसा, सिंहिका और लंकनी। सुरसा सत्वगुणी माया है, सिंहिका तमोगुणी माया है और लंकिनी रजोगुणी माया है। अब भक्ति की खोज के लिए भक्त चला सुध लेनी है। आधार क्या हो? बोले आधार हो भगवान का मुख में नाम। हनुमान जी को भी लगा कि त्रिगुणात्मिका माया से पार मैं तभी पा पाऊंगा जब मेरे मुख में भगवान श्री राम का नाम होगा। नाम से ही माया को पार किया जा सकता है। अब जो मुद्रिका उनको दी, ये मुद्रिका बड़ी दिव्य है सज्जनों। राम नाम अंकित अति सुंदर, इस पर भगवान श्री राम का नाम अंकित है। सोने की मुद्रिका, भगवान का नाम अंकित है। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को मुख में रख लिया। क्यों? भक्त की दृष्टि सोने पर नहीं होती, भक्त की दृष्टि भगवान के नाम पर होती है। ये मुद्रिका सोने की है इसलिए हनुमान जी ने मुख में रख लिया, ऐसा नहीं है। हनुमान जी चाहते अपनी पूंछ में इसको डाल लेते, सागर पार कर जाते। कमर में जो दुपट्टा बंधा है उसके कोने में इसको बांध लेते, सागर को पार कर जाते। अपने यज्ञोपवीत में जनेऊ में इसको डाल लेते, सागर पार कर जाते। लेकिन मुद्रिका को मुख में स्थान क्यों दिया? क्योंकि भक्त की दृष्टि भगवान के नाम पर होती है। हनुमान जी के लिए सोने का महत्व इसलिए बहुत नहीं है क्योंकि वे तो स्वयं सोने के बने हुए हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाब देहम, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब जो स्वयं सोने का बना हुआ है उसके लिए एक छोटी सी सोने की मुद्रिका की कोई महिमा नहीं होती। हनुमान जी तो अपने शरीर के एक रोम को निकालें तो सोने की मुद्रिका बना दे। तो सोने की है इसलिए मुख में रखा, ऐसी बात नहीं। दृष्टि उनकी भगवान के नाम पर है। भक्ति की सुध लेनी है, त्रिगुणात्मिका माया को पार करना है तो भगवान का नाम ही आधार है। श्री हनुमान जी ने सोचा कि मनुष्य के पास जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं उन सबका तो कोई ना कोई बाह्य आभूषण है। कान में कुछ पहन लीजिए, नाक में कुछ पहन लीजिए, आंखों में कुछ लगा लीजिए, परंतु मनुष्य की जीभ जो है ये ऐसी है कि इसका कोई बाह्य आभूषण नहीं है। अब जीभ में कुछ पहना तो जा नहीं सकता। तो हनुमान जी ने मुद्रिका देखी, वे विचार करने लगे कि मनुष्य की जीभ का सबसे सुंदर आभूषण क्या हो सकता है। और फिर उनको विचार आया कि मनुष्य की जीभ का सबसे सुंदर आभूषण भगवान का नाम ही है। इसलिए हनुमान जी ने उस मुद्रिका को लिया, उल्टा किया और अपनी जीभ के ऊपर उसको रख लिया। जीभ पर रखने का मतलब है भगवान के नाम को अपनी जिह्वा का आभूषण बना लिया। और जब जीवन में हमारी जीभ का आभूषण भगवान का नाम होगा तभी त्रिगुणात्मिका माया को पार करके भक्ति को खोज पाएंगे और बिना भक्ति की सुध लिए भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कभी होती नहीं है। भगवान श्री राम ने अपना कमल हस्त कर पंकज श्री हनुमान जी के सिर पर तभी रखा
जब हनुमान जी भक्ति की सुध लेकर के आ गए, भगवान श्री राम के चरणारविंद में प्रणाम किया और बार बार प्रभु चाहें उठावा, प्रेम मगन ते ही उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। जब कर पंकज को रखा सिर पर तो भगवान शंकर जो सुना रहे हैं पार्वती जी को श्री राम की कथा, वे भी मग्न हो गए क्योंकि वे स्वयं हनुमान जी हैं। हमारी जिह्वा का भी आभूषण भगवान का नाम बने, हम भी भक्ति को खोजें। इसलिए प्रत्येक माता का ये धर्म है कि उसका बालक भगवान का भक्त होना चाहिए। माँ का पहला दायित्व है, पिता से भी पहले माता का स्थान है। अब माता का जीवन ही चाट पकौड़ी खाने में निकल गया तो बताओ बच्चे को क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान कौन होते हैं। माता को कभी प्रणाम करते नहीं देखा, पिता को कभी किसी के सामने झुकते नहीं देखा, तो बच्चे को क्या मालूम पड़ेगा कि पैर ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं, वो तो गला ही पकड़ लेगा। आप बोल दो आज किसी बच्चे को कि जरा प्रणाम करो तो वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ प्रणाम करूं, ये उसे पता ही नहीं है कि प्रणाम किया कहाँ जाता है, शरीर में ढूंढने लगता है कहाँ प्रणाम करूं, ऊपर करूं कि नीचे करूं, पता ही नहीं चलता। दोष नहीं है उसका, ये समझ में आ जाता है कि माता पिता ने सिखाया क्या है इसको। भैया दुःशीलो मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण आत्म दोषात् दरिद्रता। बालक यदि बड़ा होकर के दुराचारी बनता है तो इसमें उसकी माता का दोष है, पिता का दोष नहीं है। यदि बालक आगे जाकर के मंद बुद्धि होता है, मूर्ख बनता है, तो इसमें उसके पिता का दोष है, माता का दोष नहीं है। यदि बालक आगे जाके कायर बनता है, भयभीत है, तो उसके वंश का दोष है, उसके पूर्व जैसे होंगे। और यदि धन को गंवा देता है, सब कुछ जीवन में खो देता है, तो आत्मदोषात् दरिद्रता, ये उसके अपने ही कर्मों का फल है, उसके स्वयं के कर्म ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। माता का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए अपने अपने बच्चों को जब वे होश संभालें तो भगवान नाम लेने की आदत डालनी चाहिए। प्रत्येक घर में नित्य ठाकुर जी को स्नान करा के जो चरणामृत होता है, जिसको अंगामृत भी कहा जाता है, ठाकुर जी के स्नान का जल जिसमें तुलसी पड़ी होती है, जिसमें चंदन होता है, वो अंगामृत, वो चरणामृत घर के बच्चों को प्रतिदिन स्नान के बाद पिलाना चाहिए। उसको पिलाने से बुद्धि कुशाग्र होती है, प्रज्ञा जीवन में प्राप्त होती है, शुद्धि जीवन में मिलती है, तेज जीवन में मिलता है। ध्रुव को आधार मिला सुनीति का और उत्तम को आधार मिला सुरुचि का। देखो परीक्षित, दोनों ही बालक अपनी अपनी माताओं से संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। अब जिसकी जैसी माता वैसा ही उसका बालक। ध्रुव को मिला आधार सत्संग का, भगवान के नाम का, और उत्तम को मिला आधार मनमाना आचरण करने का। समय तेजी से बीत रहा है और बालक ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष से ऊपर की हुई। एक दिन बालक ध्रुव ने अपनी माता सुनीति से कुटिया में पूछा, मां मेरे पिता कौन है? देखो ना, मेरे जितने भी मित्र हैं उन सबके पिताओं को मैं देखता हूं, लेकिन मैंने आज तक अपने पिता को ना देखा, आप बताइए मेरे पिता कौन है? सुनीति ने जैसे ही ये बात सुनी, नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी।
और फिर ध्रुव को दिखाया दूर महल का उत्तुंग शिखर जिस पर ध्वजा लगी हुई है। कहा, निष्पाप बालक, दूर उत्तुंग शिखर महल का देखते हो जिस पर ध्वजा लगी है? कहा, देखता हूं। बोले, ये महल तुम्हारे पिता और इस राज्य के राजा उत्तानपाद का है। ध्रुव ने जैसे ही सुना कि उत्तानपाद मेरे पिता हैं, तुरंत ध्रुव जी ने अपनी मां को कहा, मां, क्या मैं अपने पिता का दर्शन कर सकता हूं? क्या मैं जाकर के अपने पिता से मिल सकता हूं? मैं अपने मित्रों के समान अपने पिता के चरणों में प्रणाम कर सकता हूं? सुनीति ने कहा, क्यों नहीं बेटा, अधिकार है तुझे, तू उनका पुत्र है, वे तेरे पिता हैं, जाओ महल में और जाकर के अपने पिता को प्रणाम करके आओ, उनका आशीर्वाद लेकर के आओ। बालक ध्रुव कुटिया से निकल करके महल में आए, सैनिकों को अपना परिचय दिया तो अंदर जाने का मार्ग मिल गया परीक्षित। कोमल सा छोटा सा ये है, 5 बरस से ऊपर का बालक चलता हुआ आया उत्तानपाद के कक्ष में। राजा उत्तानपाद ऐश्वर्यशाली, जिनका जीवन भव्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं, और उनके पास बैठी हैं महारानी सुरुचि। उत्तानपाद की गोद में सुरुचि नंदन उत्तम विराजमान है। राजा बड़े प्यार से उत्तम को खिला रहे। ध्रुव जी कक्ष में आए और आकर के उन्होंने राजा उत्तानपाद को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। एकदा सुरचिः पुत्रम् अंकमारोप्य लालयन् उत्तमम् नारुरुक्षन्तम् ध्रुवम् राजाभ्यनन्दतः। परीक्षित, जैसे ही प्रणाम किया उत्तानपाद ने बालक ध्रुव की ओर देखा, कौन हो वत्स और यहां महल में मेरे कक्ष में कैसे चले आए? उत्तानपाद ने आज तक ध्रुव जी का मुख नहीं देखा। ध्रुव जी के नेत्र सजल हुए, हाथ जोड़ के कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र सुनीति नंदन ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे ही सुनीति के नाम को सुना, ध्रुव ने अपना परिचय दिया, उत्तानपाद के भी नेत्र सजल हो गए। ध्रुव जी की दृष्टि गई उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए उत्तम पर, जो वात्सल्य और प्रेम से पिता से मिल रहा है, ध्रुव जी के जीवन में उसका अभाव है। और अपने पास जिसका अभाव होता है, जब वही दूसरे के पास दिखाई देता है, तो उसी में आकर्षण होता है। ध्रुव जी ने अपने दोनों हाथ उत्तानपाद की ओर बढ़ा दिए और कहा, पिताजी, इस बालक के समान आपके सिंहासन पर क्या मैं भी आपकी गोद में बैठ सकता हूं? उत्तानपाद ने कहा, क्यों नहीं बेटा, अरे मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है, क्या तू मेरे सिंहासन पर मेरी गोद में नहीं बैठ सकता? आओ मेरी गोद में आ जाओ। और जैसे ही उत्तानपाद ने हाथ बढ़ाए, सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के हाथों को पकड़ लिया और कहा, अरे ये राजन क्या करते हैं आप, अपने हाथों को पीछे करिए। उत्तानपाद का सिर झुक गया, कोई उत्तर ना दे पाए। ध्रुव जी तो जोर जोर से रोने लगे और फिर टेढ़ी निगाह से सुरुचि ने बालक ध्रुव की ओर देखा और कहा, ए ध्रुव, तू जो मन में आकांक्षा रखे हुए है, ये तुझे इस जन्म में मिल नहीं सकती। तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठना चाहता है, उनकी गोद में आना चाहता है, ये संभव नहीं है इस जन्म में। ध्रुव जी ने कहा, क्यों, क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? मैं इनके सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता? मैं इनकी गोद में क्यों नहीं आ सकता? कहा, पागल, तुझे इतना भी नहीं मालूम, ये तेरे पिता है सत्य है, तू इनका पुत्र है ये भी सत्य है, लेकिन उससे बड़ा सत्य ये है ध्रुव कि मैं तेरी माता नहीं हूं, और यदि तुझे पिता के सिंहासन पर बैठना है, इतनी ही इच्छा तेरे मन में अब हो गई है उनकी गोद में आने की, एक काम कर, थोड़ा चला जा वन में और भगवान नारायण की तपस्या कर। भगवान नारायण जब प्रसन्न होकर आए और तुझसे वरदान मांगने को कहें, तो उनसे यही वरदान मांगना
कि हे नारायण मुझे अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से दिलाइए, जिससे उत्तानपाद के सिंहासन पर उनकी गोद में जाके मैं बैठ सकूं। नाग रही तो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मजः, मेरे गर्भ से तूने जन्म नहीं लिया इसलिए सदकार से तू वंचित रह गया। ध्रुव चलो बाहर निकलो यहां से, जाओ। अरे राजा परीक्षित, अपने गर्भ को सुरुचि ने भगवान नारायण से भी ऊंचा स्थान दे दिया, जरा देखो। और ऐसी टेढ़ी बात कही बालक ध्रुव को कि ध्रुव के हृदय में उस बात का एक एक अक्षर अंकित हो गया, लिख गया। फटकार लगा दी, रोते हुए बालक ध्रुव नंगे चरण दौड़ते हुए महल से निकल करके अपनी माता सुनीति के पास कुटिया में दौड़ करके आए। अपनी मां से लिपट करके ध्रुव जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। सुनीति ने पूछा कि अरे वत्स क्यों रोते हो, क्या महल में तुम्हें प्रवेश ना मिला, क्या किसी ने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, ये रुदन क्यों? ध्रुव जी ने कहा, माता मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया, कोई अपराध कर दिया, मुझे पिता के सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। महल की सारी घटना अपनी माता सुनीति को कही। सुनीति भी रोने लगी और कहा कि सुनो बालक ध्रुव, जब तेरे पिता ने मेरा ही त्याग कर दिया तो मेरे गर्भ से जन्म लेने के बाद तुझे उनके सिंहासन पर बैठने का अधिकार कहाँ है? तो मां मैं भी जाऊंगा, वन में नारायण को प्राप्त करूंगा और अपनी विमाता को पिता के सिंहासन पर बैठ करके दिखा दूंगा। तुरंत ध्रुव के मुख पर हाथ रखा, नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं कहते। देखो यदि भजन करने की प्रेरणा किसी शत्रु से भी मिल जाए तो उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन दूसरे का अहित करने के लिए बदले की भावना से भगवान का भजन कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करें। भगवान का भजन करें आत्म कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। किसी का अहित क्या मांगना भगवान से, जिसका अहित मांग रहे हैं उसके अंदर भी तो वही बैठा है। अब अपनी एक कृति के लिए दूसरी कृति का अहित परमात्मा कैसे कर दे? मां मैं कब जाऊं वन में जाकर के भगवान नारायण का भजन करूं? कहा ध्रुव, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र ही कर लेना चाहिए क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं। भगवान नारायण का भजन करने के लिए कोई मुहूर्त थोड़ा ही देखना है, इसी समय तुम वन में जाओ और नारायण का भजन करो। परीक्षित जरा इस मां को देखो, अपने 5 बरस के बालक को कहती है जंगल में चला जाओ और भगवान का भजन कर। क्या कोई साधारण माता अपने पुत्र को ऐसा कह सकती है? हृदय पर पत्थर रख के ध्रुव को कहा, चले जाओ वन में और नारायण का भजन करो। ध्रुव जी के माथे पर तिलक लगाया, सुंदर छोटी सी माला हाथों से बनाई, उनको पहनाई, निरावरण चरण उनके, एक धोती को पहन रखा है, उत्तरीय को डाल रखा है, अपने हृदय से लगाया और कहा, वत्स जाओ, आशीर्वाद है मेरा कि तुमको भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त हो। अपनी मां की परिक्रमा लगाई बालक ध्रुव ने, चरणों में किया साष्टांग प्रणाम और जब चलने को तैयार हुए तो कहा सुनीति ने, ध्रुव जाने से पहले अपने पिता और विमाता का भी आशीर्वाद लेके जाना। यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीतः, ये तेरा दुर्भाग्य कि तूने मेरे उदर से गर्भ से जन्म लिया, लेकिन फिर भी बेटा अपने सद्गुणों का त्याग जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, जाओ आशीर्वाद लो। ध्रुव जी आए महल में, अपने पिता का आशीर्वाद लिया, विमाता सुरुचि को प्रणाम किया तो सुरुचि ने मुख को फेर लिया। ध्रुव जी सुरुचि के स्वभाव को जान गए इसलिए उनको कोई ठेस ना लगी। कस्तूरी की क्यारी करी, केशर की करी खाद, पानी दिया गुलाब का तो भी प्याज की प्याज। कैसे बदल जाए स्वभाव। महाराज
ध्रुव जी महल से निकल कर के घोर वन के अंदर आए, नंगे चरण चल रहे हैं, छोटा सा बालक, कोमल शरीर, सुंदर केश, पैर में कांटा लगा, रक्त निकलने लगा। ध्रुव जी तो गिर पड़े, अपने पैर के कांटे को कस करके निकाला हाथ से, नेत्रों से जल गिरने लगा, फिर उठ करके चलने लगे। भूख लगी, किसी वृक्ष के नीचे पड़े हुए फल को उठा के पा लिया। थोड़ा प्यास लगी, पास ही कोई नदी दिखी सो थोड़ा जलपान कर लिया। घोर जंगल के अंदर बालक ध्रुव चल रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी ने अभी तक जीवन में किसी को सदगुरु ना बनाया, और बिना गुरु मंत्र के उन्हें नारायण कैसे मिले, वे उस मंत्र को तो अभी जानते नहीं। घूम रहे वन में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान श्री राम के द्वार पर श्री हनुमान जी को तुलसीदास जी ने बैठाया। उसका अभिप्राय ही यही है कि सदगुरु ही भगवान के प्राप्ति का द्वार होता है, उसी द्वार से प्रवेश करके भगवत प्राप्ति जीवन में होती है। सदगुरु ही तो द्वार है। श्री हनुमान जी वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, शिव हैं, शिव तो आदि गुरु हैं। महाराज ध्रुव जी वन में उसी समय आकाश से निकले देवर्षि नारद, नारायण 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 नारायण। नीचे देखा बालक ध्रुव को, अरे ये कोमल सा बालक नंगे चरण वन में क्यों घूमता है। देवर्षि नारद आकाश से बालक ध्रुव के सामने उतर करके आए। जैसे ही ध्रुव जी ने वलकल वस्त्रधारी देवर्षि नारद को देखा, तुरंत चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। यथोपश्रयमाणस्य भगवंतं विभावसुं क्षीतं भयं तमुप्येति साधुन समसेवतस्तथा। साधु को देखा, तुरंत प्रणाम किया। नारद जी समझ गए कोई सत्संगी बालक लगता है, संस्कार इसके अच्छे हैं, संत को देख करके प्रणाम करता है। आज का बच्चा हो तो वो क्या सोचे, आप खुद ही सोच लो। हाँ, आज का बच्चा हो तो वो तो संतों के कपड़ा ही उतार ले। हाँ, प्रणाम किया ध्रुव ने तो। नारद जी ने ध्रुव को देखा जो हाथ जोड़ के खड़े हैं सामने, पूछा, वत्स कौन हो तुम, क्या मार्ग भटक गए, ये घोर वन में अकेले क्यों घूमते हो। ध्रुव जी ने कहा, मैं राजा उत्तानपाद सुनीति नंदन ध्रुव आपको प्रणाम करता हूं। देवर्षि, मैं वन में नारायण को प्राप्त करने के लिए आया हूं। नारद जी ने कहा, उत्तानपाद के बालक हो, क्या कहा बेटा, जरा फिर से कहना, क्यों आए हो वन में। कहा, साहब मुझे भगवान नारायण को प्राप्त करना है। इस बात को सुनकर के नारद जी को इतनी हंसी आई और फिर कहा, अरे बालक, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े संत महात्मा घिस जाते हैं जिस परमात्मा के पीतांबर के कोने पर लटक रहे नीलम की एक झलक भी दिखाई नहीं देती, तो उसी भगवान को इस छोटी अवस्था में प्राप्त करने के लिए वन में चलाया क्यों। ध्रुव जी ने सारी घटना देवर्षि नारद को कही और कहा, मुझे अपनी विमाता सुरुचि को दिखाना है पिता के सिंहासन पर बैठ करके, इसलिए मैं नारायण को प्राप्त करके रहूंगा। कहा, बालक तेरे जैसी अवस्था के बालक का मान क्या और अपमान क्या, अरे कोई प्रेम से गोद में बैठा है, कोई फटकार लगा के दूर खड़ा कर दे। देखो तुम लौट करके अपने घर जाओ, ये समय नहीं अभी तुम्हारा वन में आने का, जाओ। ध्रुव ने कहा, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा, वन में हिंसक पशु रहते हैं, क्या तुम्हें उनका भय नहीं। ध्रुव ने कहा, मेरी मां ने मुझे बताया था, जो नारायण मेरे अंदर है वही प्रत्येक पशु पक्षी के अंदर है, यदि मैं उनका अहित नहीं करूंगा तो वे भी मेरा नहीं करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।
नारद जी ने कहा, सुनो ध्रुव, ये बताओ तुम्हारी माता सुनीति तुम्हें कितनी बार भोजन कराती है? छोटे हैं सो गिनने लगे, 1, 2, 3, 4, 5 बार कराती हैं। कहा तो वन में तेरी माता सुनीति कहां से आएगी बेटा, इसलिए जाओ लौट करके, ये समय नहीं तुम्हारा वन में आने का। ध्रुव जी ने कमाल का उत्तर दिया और कहा, मुर्दे को प्रभु देत हैं कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। जब मरने के बाद भगवान कपड़ा लकड़ी और आग दे सकता है, तो जीवित मनुष्य यदि यही चिंता करे कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, तो उसका बहुत बड़ा अभाग है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के ऊपर उसको विश्वास ना रहा, तो अब उसने ये मान लिया कि मुझे अपने कर्मों से ही जीवन में सब मिलने वाला है, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, मुझे नारायण को प्राप्त करना है। ये बात जैसे ही सुनी देवर्षि नारद ने ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे ध्रुव, मैं तो तेरी परीक्षा लेकर के देख रहा था कि केवल सौतेली माँ के वचन से ही तो मात्र तू वन में ना आ गया क्रोध के कारण, पर तेरा निश्चय दृढ़ है तो ये बता, अभी तक तूने जीवन में किसी को सदगुरु बनाया या नहीं? तेरे पास गुरु मंत्र है या नहीं? क्योंकि बेटा बिना गुरु मंत्र के तुझे नारायण का दर्शन ना हो पाएगा। ध्रुव जी ने कहा, आपसे श्रेष्ठ सदगुरु मुझे मिलने वाला कहाँ है? आप स्वयं आ गए हैं तो अब मंत्र भी दे दीजिए जिससे मुझे भगवान नारायण मिल जाए। नारद जी तो बहुत प्रसन्न हो गए ध्रुव जैसे शिष्य को पाकर के, और वन में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादश अक्षर का गुरु मंत्र नारद जी ने बालक ध्रुव को दिया। ध्रुव जी दीक्षित हुए तब नारद जी ने कहा, बेटा मथुरा के पास मधुवन में जाओ, यमुना स्नान करके श्री यमुना जल का पान करके वटवृक्ष के नीचे पद्मासन लगा के बैठ जाना, मेरे दिए इस मंत्र का जप करना, बेटा मेरा तुझे बहुत आशीर्वाद है कि भगवान नारायण का दर्शन तुझे अवश्य प्राप्त हो। अब जिसको नारद जी मिल गए, क्या नारायण मिलने में देरी है फिर? हाँ, नारद जी का तो काम ही है भगवान नारायण से मिलाना। ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया और नारायण 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 करके नारद जी चले गए। ध्रुव जी चलते हुए आए मथुरा के पास मधुवन में, दिव्य वन, श्री यमुना जल में स्नान किया, यमुना जल का पान किया और वटवृक्ष के नीचे बालक ध्रुव पद्मासन लगा करके बैठ गए। देवर्षि नारद से प्राप्त दिव्य गुरु मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। तो आइए, बालक ध्रुव जप कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ मिलकर के भगवान नारायण का भजन कर लें। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा बना जाओ मेरी बिगड़ी।
लाडली जय हो। मथुरा मधुवन यमुना किनारे वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा के महाराज ध्रुव जी के भजन का जब पांचवा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने अपनी श्वास को ब्रह्म रंध्र में ला करके रोक लिया, श्वास लेना ही बंद कर दिया। और जब ध्रुव जी की श्वास रुकी तब समस्त देवताओं की श्वास रुक गई, वे सब दौड़ के भगवान नारायण के पास गए श्री ब्रह्मा जी को लेकर के और पूछा किसके तप के कारण हम सबकी श्वास रुक गई। तब भगवान नारायण ने कहा मेरा 5 वर्ष का एक नन्ना सा भक्त है बालक ध्रुव, मधुवन में मेरा तप कर रहा है, उसके भजन का 5वां महीना उसने अपनी श्वास रोकी तो तुम सबकी श्वास रुक गई। देवराज इंद्र ने कहा तो प्रभु जल्दी जाइए, जाकर के उसे दर्शन दीजिए, उसकी श्वास चले तो अपनी भी चले। हाँ। भगवान ने कहा कि मैं दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा, तो बोले मैं बालक ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। दर्शन देने में और दर्शन करने में अंतर है। अरे मैं भी तो अपने नन्हे से इस भक्त का दर्शन करना चाहता हूं, जिसकी श्वास चली तो तुम सबकी श्वास चली और जिसकी श्वास रुक गई तो तुम सबकी श्वास रुक गई। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान गरुण पर सवार हुए और प्रभु ने उड़ान भरी मथुरा मधुवन की ओर। गरुण जी के पंख से सामवेद की ध्वनि निकलने लगी, ध्रुव जी का तप चल रहा है, नेत्र बंद, बंद नेत्रों में नारायण की झांकी और प्रभु गरुण पर सवार होके बालक ध्रुव के सामने उतर करके आए। जब वही झांकी साकार रूप में सामने आई तो ध्रुव के बंद नेत्रों की झांकी अंतर्धान हुई और हड़बड़ा के जब बालक ध्रुव के नेत्र खुले, बोलिए नारायण भगवान की जय। महाराज चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण को सामने देखा, बालक ध्रुव हाथ जोड़कर के सजल नेत्रों से भगवान नारायण की ओर देखने लगे। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण, ध्रुव जी बस भगवान को देखते चले जा रहे, कुछ बोले नहीं क्योंकि बोलना तो अभी कुछ आता नहीं, स्तुति करना आता नहीं, तो क्या कहें, बस नेत्रों के द्वारा भगवान का पान कर रहे हैं, पीते हुए चले जा रहे हैं भगवान को।
भगवान समझ गए कि इसकी वाणी अभी सुप्त है, उसे पहले जागृत करना होगा। तब भगवान ने कृपा करते हुए अपने पांचजन्य शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल से किया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, और समस्त वेद वेदांगों का ज्ञान ध्रुव के हृदय के अंदर उतार दिया। बोलिए नारायण भगवान की। महाराज ज्ञान ध्रुव के हृदय में उतार दिया और ध्रुव की सोई हुई वाणी जागृत हो गई। शंख नाद का प्रतीक है, नाद वाणी का उद्दीपक होता है। भगवान का पांचजन्य शंख अहंकार का प्रतीक है। ध्रुव को जब तक देहभान ना हो स्तुति हो नहीं सकती, इसलिए जब शंख का स्पर्श किया, अहंकार का स्पर्श किया, तो ध्रुव को देह का भान हुआ और सोई हुई वाणी नाद उसके द्वारा प्रकट हुई और ध्रुव ने भगवान की सुंदर स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। और जो स्तुति की है कमाल की स्तुति, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्ते अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अनयाश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्तुति करते हुए ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, आपने ही मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया है। आप ही इंद्रियों को चैतन्य करने वाले हैं। आपके चरणों में बारंबार मैं नमस्कार करता हूं, आपका वंदन करता हूं। जीव की वाणी तो सोई हुई रहती है, प्रभु आप अपनी कृपा से ही उस सोई हुई वाणी को जगाते हैं। जब तक आप किसी को अपने बारे में ना जनाना चाहें, कोई आपके बारे में जान नहीं सकता। आप अपनी कृपा से ही अपने बारे में जनाते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो आपका भजन नहीं करता वो तो कृतज्ञ है। आप साधना साध्य नहीं है, आप तो कृपा साध्य हैं। यदि कोई मनुष्य ये सोचे कि मेरी बहुत साधना के कारण आप मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप तो केवल केवल और केवल अपनी साधना के द्वारा ही जीवन में प्राप्त होते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, साधना करते करते जब थका हुआ जीव आपके वियोग में रोने लगता है, तो उसके नेत्रों से निकलने वाले अश्रुबिंदु ही वैष्णव का सबसे बड़ा धन है। और उसी अश्रुबिंदु को देख करके हे कृपा सिंधु, आप दौड़ते हुए चले आते हैं अपना दर्शन देने के लिए। बड़े बड़े संत महात्मा आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। मैं एक छोटा सा बालक, मेरी छोटी सी तपस्या से आप यहाँ चले आए, आपने कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर कर दी। भगवान प्रसन्न हुए। देवताओं की भीड़ आकाश में, ध्रुव की श्वास चलने लगी, देवताओं की भी चलने लगी। ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, देवर्षि नारद भी देख रहे हैं दूर से खड़े होके। भगवान ने कहा, बालक मांग, क्या वरदान दूं? ध्रुव जी ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यही दें कि मैं सदा साधुओं का संग करता रहूं, सत्संग मुझे मिलता रहे और मैं उन्मत्त होके आपके कथामृत का पान करके इस धरती के ऊपर विचरण करता रहूं। भगवान ने मन में विचार किया कि ध्रुव ने जब मेरी तपस्या प्रारंभ की, तब ध्रुव के मन में ये इच्छा नहीं थी। मेरे दर्शन का ये फल है कि इसके मन का भाव बदल गया है। तो कहा, हे निष्पाप बालक, मैं तेरे हृदय के पूर्व संकल्प को जानने वाला हूं, तो देख, पहला वरदान, इस लोक में अपनी आयु सीमा पूरी होने के बाद तुझे मेरा वो ध्रुव लोक प्राप्त होगा जिसकी परिक्रमा सप्त ऋषि मिलकर के लगाते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को जो ध्रुव लोक दुर्लभ है, वो मैं तुझे प्रदान करता हूं। दूसरा वरदान देता हूं, राजा उत्तानपाद के बाद तुम ही उनके सिंहासन पर बैठोगे। तुम्हारे मन में बड़ी इच्छा थी कि पिता के सिंहासन पर बैठूं, 36,000 वर्षों तक शासन करोगे, ये दूसरा वरदान तुमको देता हूं। महाराज दो वरदान दे दिए। ध्रुव जी तो बस देख रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं भगवान क्या दे चुके उनको। नेत्रों से जल गिर रहा है और मेरे प्रभु का दर्शन कर रहे हैं।
जिसके हाथ में काल चक्र, ये मृत्यु चक्र भी सुदर्शन हो जाए, जिसके हाथ में आने के बाद मृत्यु का दर्शन भी सुंदर हो जाए, वो अपने आप में कितना सुंदर होगा इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जिसके प्रतिबिंब इतने सुंदर हो, वो बिंब कितना सुंदर होगा इसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ये चारों ओर प्रतिबिंब है उसी परमात्मा का, इसमें उसी बिंब का दर्शन होता है और बालक ध्रुव उसी बिंब का दर्शन कर रहे हैं। भगवान नारायण, भगवान ने कहा और कुछ? ध्रुव जी तो कुछ बोले ही नहीं, बस मौन खड़े रहे। और भगवान नारायण गरुण पर सवार होकर के वहां से प्रस्थान कर गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण वहां से प्रस्थान कर गए और बालक ध्रुव वहां से चले। देवर्षि नारद की तो प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, मेरे शिष्य को भगवान नारायण का दर्शन मिल गया और क्या चाहिए। अब तो महाराज नारद जी को जो भी मिले उसी को बालक ध्रुव के बारे में बताएं। हाँ, नारद जी आ रहे हैं, सामने से कुछ संत आ रहे हैं चलते हुए। नारद जी ने पूछा, अरे अरे सुनो, बालक ध्रुव के बारे में सुना है क्या? संतों ने कहा सुना है सब, अभी अभी उनको थोड़ी देर पहले भगवान नारायण का दर्शन हुआ, हमें खबर मिली। कहा अच्छा अच्छा, ये तो जानते होगे कि ध्रुव जी का गुरु कौन है? संतों ने कहा ये हमको नहीं पता कि बालक ध्रुव के गुरु कौन है। नारद जी ने कहा अरे हम हैं बालक ध्रुव के गुरु, ऐसा मंत्र दिया एक ही बार में भगवान से मिला दिया, अब तुमको जो मिले सबको बताना, चलो जाओ यहां से। इतने प्रसन्न नारद जी जो मिले उसी को ध्रुव के बारे में बताने लगे। दौड़ करके पहुंचे राजा उत्तानपाद के पास और कहा राजन धन्य हो तुम, ऐसा पुत्र प्राप्त कर लिया जीवन में, सजवा दो इस महल को, महात्मा ध्रुव इसी ओर चलते हुए आ रहे हैं। इतनी छोटी 5 वर्ष की अवस्था में नारायण का दर्शन जिनको प्राप्त हो गया। उत्तानपाद ने जैसे ही सुना नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। पूरे महल को सुंदर रूप से सजवाया और द्वार पर आरती की थाली लेके राजा उत्तानपाद स्वयं खड़े हो गए। महाराज बालक ध्रुव चलते हुए आए, लेकिन ध्रुव जी जब लौट के आए तो उन्होंने आकर के सबसे पहले अपनी माता सुनीति को प्रणाम ना किया, उन्होंने महल के द्वार पर खड़े अपने पिता उत्तानपाद को भी प्रणाम ना किया। और ध्रुव जी दौड़ते हुए महल के अंदर प्रवेश करके आए और सबसे पहले जाके अपनी सौतेली माँ सुरुचि को साष्टांग प्रणाम किया। और जैसे ही सुरुचि के चरणों से अपने हाथों का स्पर्श किया तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। बदल गई भावना सुरुचि की तो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर के सुरुचि को कहा कि मेरी वास्तविक गुरु तो माता आप हैं, यदि आपने उस दिन मुझे फटकार ना लगाई होती तो वन में जाके मैं कभी नारायण का भजन ना करता, आपके इस ऋण से मैं कैसे उऋण हो पाऊंगा। सुरुचि ने तो ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया, मन की वृत्ति बिल्कुल बदल गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इसके बाद उत्तानपाद को आकर के बालक ध्रुव ने प्रणाम किया, उत्तानपाद ने उनकी आरती उतारी। महाराज उत्तानपाद ने कहा बालक ध्रुव 5 वर्ष से कुछ ऊपर तेरी अवस्था और तूने नारायण को प्राप्त कर लिया, मैं तो 50 से ऊपर का हो गया, भजन में मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ मैं तुझसे सीखूं कि मैं भी वन में जाके नारायण का भजन करूं। ध्रुव जी आए चलते हुए पर्ण कुटी में और आकर के अपनी माता सुनीति के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई अपनी माँ की। अपने हृदय से सुनीति ने ध्रुव को लगा लिया, उनकी दी हुई शिक्षा सफल हुई, इस बालक को नारायण का दर्शन प्राप्त हो गया। ध्रुव जी ने भगवान नारायण के बारे में अपनी माता को बताया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ध्रुव जी को युवा अवस्था की प्राप्ति हुई। राजा उत्तानपाद ने देखा कि राज सिंहासन के लिए उत्तम से श्रेष्ठ हैं ध्रुव, इसलिए उन्होंने राजगद्दी उत्तम को ना दी
और ध्रुव को ही ये राजगद्दी भगवान नारायण के वरदान अनुसार प्राप्त हुई। अपने पिता के सिंहासन पर ध्रुव विराजमान हुए, उत्तानपाद वैराग्य लेके वन में भजन करने चले गए। ध्रुव जी राजा हुए। महाराज सुंदर रूप से वे शासन कर रहे हैं। दो विवाह उनके हुए आगे। पहली पत्नी का नाम है भ्रमी, जिससे दो पुत्र प्राप्त हुए, कल्प और वत्सर। दूसरी पत्नी से ध्रुव जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हुआ उत्कल। शासन कर रहे हैं, समय बीत रहा है। एक दिन सुरचि पुत्र उत्तम यक्षों के बगीचे में आ पहुंचे। मनमाना आचरण करने वाले हैं, थोड़ा बगीचे को बिगाड़ने लगे, फूलों को तोड़ने लगे। यक्षों ने कहा, अरे महात्मा ध्रुव के आप भाई हैं और ऐसा आचरण आपका, ये क्या करते हैं? यक्षराज कुबेर का बगीचा है, छोड़िए, जाइए यहां से। अभिमान में भर के उत्तम ने कहा, मैं जो करता हूं वो सही करता हूं, मैं इस बगीचे को उजाड़ूंगा। उजाड़ने लगे, यक्षों से हो गया युद्ध, और उस युद्ध में यक्षों के हाथों उत्तम को मृत्यु की प्राप्ति हुई। उत्तम मारे गए और ध्रुव जी के कानों में उत्तम की मृत्यु की सूचना जब पहुंची तो महात्मा ध्रुव को भी क्रोध आ गया। रथ पर सवार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर यक्षों से युद्ध करने के लिए बगीचे में आ पहुंचे और ध्रुव जी का युद्ध यक्षों के साथ प्रारंभ हो गया। लड़ने लगे, लड़ते हुए चले जा रहे हैं, मुख पर पसीने की बूंद आ गई, श्रम हो रहा है, समय लग रहा है। उसी समय द्वादश भागवतों में जिनका नाम आता है, स्वयंभुव मनु जो बालक ध्रुव के बाबा हैं, वे उस युद्ध के बीच में बगीचे में पधारे और आकर के स्वयंभुव मनु ने हाथ पकड़ लिया ध्रुव का और कहा, बेटा नायम मार्गो हि साधु नाम ऋषि केशानुवर्ति नाम यदात्मानं प्राग गृह्य पशुवत भूत वैशसम। अरे बालक, नायम मार्गो ही साधु नाम, ये तो जैसे साधुओं के चलने वाला मार्ग नहीं है। बेटा निरपराध यक्षों से क्यों युद्ध करते हो? हमारी आज्ञा है, इस युद्ध को बंद कर दो। ध्रुव जी ने अस्त्र शस्त्र नीचे रखे, मनु जी को प्रणाम किया और फिर कहा स्वयंभुव मनु ने कि तुमने युद्ध करके जो अपराध किया है इसका प्रायश्चित करो, यक्षराज कुबेर की तपस्या करो, और कुबेर तुमसे वरदान मांगने को जब कहें तो बेटा उनसे वरदान में तू नारायण की भक्ति को मांगना। तुम्हें ध्रुवलोक मिला, तुम्हें पिता का राज सिंहासन मिला, लेकिन तुम्हें अभी नारायण की भक्ति का वरदान ना मिला, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम उस वरदान से भी संपन्न हो जाओ। ध्रुव जी को उपदेश किया दिव्य। ध्रुव जी महाराज ने वहीं पर यक्षराज कुबेर की तपस्या की, कुबेर से वरदान में भगवान नारायण की भक्ति को इन्होंने मांग लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सुरचि को सूचना मिली कि उत्तम मारे गए, विक्षिप्त हो गई और महल से निकल कर के वन में आ गई। वन के अंदर अग्नि कांड हुआ और उसी अग्नि में प्रवेश करके सुरुचि ने अपने देह को सदा के लिए त्याग दिया। राजगद्दी पर ध्रुव, सुंदर रूप से शासन, 36,000 वर्षों की अवस्था, समय तेजी से बीतता हुआ चला जा रहा है और आ गया ध्रुवलोक जाने का समय। भगवान नारायण का दिव्य विमान उतर कर के आया। नारायण के पार्षद जिनके चार हाथ हैं, जो भगवान नारायण के ही समान हैं, उस विमान में बैठे। ध्रुव जी चलने को तैयार हुए, सो बीच में मृत्यु देवी आकर के खड़ी हो गई और कहा, ए बालक ध्रुव, बिना मुझे स्वीकार किए मेरे श्लोक से विमान में चढ़ के कहां निकल जाना चाहता है? क्या तुझे पता नहीं मैं मृत्यु देवी, ये मृत्यु लोक, मैं यहाँ की अधिष्ठात्री हूं, बिना मुझे स्वीकार किए कहां जाता है? अब ध्रुव जी सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं। भगवान नारायण के पार्षदों की ओर देखा तो उन्होंने ध्रुव जी को संकेत कर दिया और ध्रुव जी समझ गए। कहा, माता जी थोड़ा झुक करके कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं?
आपका स्वरूप इतना बड़ा मुझे सुनाई नहीं देता है। मृत्यु देवी झुकी ध्रुव को कहने के लिए, सो ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखा परीक्षित, लगाई छलांग, सीधे विमान में आके बैठे। जब तक मृत्यु देवी खड़ी हो पाती तब तक विमान मृत्यु लोक की सीमा से बाहर की ओर निकल गया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु को भी पार करके ध्रुव जी विमान में बैठ करके ध्रुवलोक की ओर चले गए। ध्रुवलोक उनको प्राप्त हुआ। सप्तऋषि मिलकर के उनकी परिक्रमा लगाते हैं। आज भी ध्रुव जी वहां बैठ करके भगवान नारायण का भजन कर रहे हैं। महाराज ध्रुव जी की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कही। ध्रुव जी के बाद राजगद्दी पर आए उनके पुत्र उत्कल, उत्कल के बाद आगे राजगद्दी पर आए अंग, और अंग के बाद राजगद्दी पर आगे आए राजा वेन।